हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू गेमिंग इंडोस। गेमिंग इंडोस के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मर्ड ऑफ सिमुलेटर मैं दोबारा से खेलने जा रहा हूँ। तो आज की इंस्ट्रक्शन देखिए, ये आज भी कुछ बहुत सा धमाल होने वाला है। तो वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिए। वाओ, यू हैव परचेज न्यू व्हीकल फॉर $6,000। मतलब कि मुझे $6,000 का कोई न्यू व्हीकल परचेज करना होगा। कौन सा परचेज करना होगा, दैट इज़ द मेन क्वेश्चन। अ ट्री हैज़ फॉलन, कोई पेड़ गिर गया है। इन द वाटर, मतलब कि पानी के अंदर कोई ट्री गिर गया है, मुझे उसको उठाना होगा बाय पुलिंग ट्रक। गो देयर एंड गेट द ट्री आउट ऑफ द वाटर। तो मुझे भी जाना होगा, वो ट्री को पानी से बाहर निकालना होगा। सो आई एम गोइंग टू ओके, दिस इज माई SUV। देखने में आपको उसे एकदम फॉर्चुनर लग रही है। लैंड क्रूजर लग रही है, लैंड क्रूजर, टोयोटा की लैंड क्रूजर। ये देखो, सेम एज इट इज़, वही सिर्फ लोगो नहीं लगाया गया, लेकिन सिर्फ वही पूरी बॉडी वही। आपको पता है लैंड क्रूज़र एक ऑफ रोड व्हीकल, बहुत ही हैवी ऑफ रोड व्हीकल मानी जाती है, और जो VIP लोग होते हैं उनकी पहली पसंद भी लैंड क्रूज़र होती है। तो चलिए अब अपने मिशन पे निकलते हैं और देखते हैं कैसे मुझे उस पेड़ को बाहर निकालना होगा जो कि पानी के अंदर गिर गया, और रास्ता ब्लॉक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आई एम गोइंग टू फॉलो द ग्रीन एरो टू फाइंड डायरेक्शन। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोगों का एक चीज़ का पता ही होगा कि ये गाड़ी किसी नाम की मोहताज नहीं है। टोयोटा अपने आप में बहुत अच्छा ब्रांड है। आपको पता कि जो भी VIP और जो मिनिस्टर लोग होते हैं वो हमेशा फॉर्चुनर या फिर टोयोटा लैंड क्रूजर परचेज करते हैं। Turn left. And again turn left. हम दोबारा से सिटी ऑफ रोड लोकेशन में आ गए हैं। देखिए दोबारा से बहुत ज्यादा कीचड़ आ गया है। मुझे उम्मीद है गाड़ी निकल जाएगी, इसे रस्से की आवश्यकता ही नहीं है। तो इस गाड़ी को डैडी ऑफ ऑल SUV कहा जाता है। देखिए साइड में एक, ओ माय गॉश, ये देखिए दोबारा से रॉक स्लाइडिंग स्टार्ट हो गई है। तो एकदम से पत्थर नीचे गिर गया पहाड़ से। तो मेरी गाड़ी यहाँ पे होती तो मेरी गाड़ी की चटनी बन जाती।
इसी लोकेशन में मुझे पार्क करना होगा इस गाड़ी को। ये देखिए जो पेड़ फंसा हुआ था मुझे इसको पीछे की तरफ निकालना होगा। ये देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन, तो ये लेवल मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है और बड़ी आसानी से आराम से कर दिया। लेवल 5 था तो मैंने 5वें लेवल को कंप्लीट कर दिया है। तो अभी आगे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि लैंड क्रूज़र बहुत बढ़िया गाड़ी है, जो भी इस गाड़ी को चलाएगा VIP चाहे मिनिस्टर या कोई भी मतलब गाड़ी ये वही परचेज कर सकता है। मतलब कि जो कि एक रिच पर्सन जिसका एक ड्रीम है कि मुझे ये गाड़ी लेनी है, उस गाड़ी को परचेज करने के लिए मैं कुछ भी करूँगा। देखिए इंस्ट्रक्शन आ गया, लेवल नंबर 6 स्टार्ट हो गया यहाँ पे। डिलीवर द वुड फ्रॉम फॉरेस्ट टू द वुडन स्टोर। तो अभी मुझे लकड़ी ट्रांसपोर्ट करनी होगी वुडन स्टोर में। वुडन स्टोर हो सकता है या फिर सा मिल भी हो सकता है, जहाँ पे लकड़ियों को काटा जाता है और उनको डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइजेस में मार्केट में सेल किया जाता है। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। ये देखिए ये आ गई अपनी गाड़ी। देखिए इसमें इतने बड़े बड़े वुड लोग इसमें पड़े हुए हैं। ये है अपना ट्रक, ये देखिए। बाईस चक्का टायर का ये एक ट्रक है, ये देखो। इनको सपोर्टिंग के लिए आप देखिए वायर रस्सी से बांधा हुआ है इसको, ताकि ये लकड़ी इधर से उधर ना हो। आपको पता है कि ये मशीन से रखे जाते हैं, आपको हम आदमी तो उसको नहीं रख सकते क्योंकि बहुत भारी होते हैं, उनको हैवी मशीन ही पिक कर पाती है और यहाँ पे डंप कर पाती है इस ट्रक के अंदर। 5, 5, 10, 5, 15, 20 तो ये टोटल 20 लकड़ियां हैं। मतलब कि पूरे जो पेड़ होता है, मतलब ये मान के चलिए पूरे 20 पेड़ काट के इस ट्रक के अंदर ट्रांसपोर्ट करके मैं लेके जा रहा हूँ जहाँ पे वुडन स्टोर होगा। वुडन स्टोर में मैं लकड़ियों को बेचूंगा और पैसे अर्न करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते इसको चलाने का अपना ही मज़ा होगा, क्योंकि अभी मैं ट्रक चला रहा हूँ, पहले मैं SUV चला रहा था। आपको पता है कि SUV में ये जो भी 20 लकड़ियाँ थी ये ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगी। इसमें ट्रांसपोर्ट हो भी पाएगी नहीं हो पाएगी वो एक क्वेश्चन है, बिकॉज जो लोकेशन है यहाँ के ऑफ रोड की, वहाँ पानी भी है, कीचड़ भी है, हर एक तरीके की परेशानी से आपको सामने फिर मतलब कि एक दो होना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोबारा से यहाँ पे रॉक स्लाइडिंग हो रही थी। ये देखो कीचड़ आ गया दोबारा से। वाह ये ट्रक तो आराम से निकल गया, काफी पार्किंग ट्रक है, अच्छी बात है निकल गया। इतने बड़े ट्रक को टर्न करना भी दैट इज अ बिग चैलेंज। इतने बड़े ट्रक को आप एकदम से टर्न नहीं कर सकते, लकड़ियाँ गिर सकती हैं।
भले से आपने बांध रखी है, क्योंकि लोकेशन इतनी खतरनाक है, कुछ भी हो सकता है। देखिए दोबारा से पानी आ गया बहुत ज़्यादा, ये पानी चाहिए। आपको पता है कि पानी में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है और पानी किसी भी बड़े से बड़े पत्थर को भी बहा के लेके जा सकता है, इतनी ज़्यादा पावर होती है पानी में। मेरे पूरे ट्रक का बैलेंस हम बिगड़ गया है। ये देखो मैं इसको लेफ़्ट की तरफ टर्न कर रहा हूँ तो राइट की तरफ जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसमें लकड़ियाँ हैं, हैवी लोड हो रखा है, इस वजह से बैलेंस नहीं बन पा रहा है। दोबारा से बात लेना होगा। इसलिए ड्राइव स्लोली। अगर आपको ट्रक सही सलामत लेके जाना है वुडन स्टोर में तो यू हैव टू ड्राइव दिस ट्रक वेरी केयरफुली। ऑलराइट, जरा से मैं एक्सेलेटर तेज़ कर देता हूँ तो पूरा का पूरा ट्रक, मतलब जो इसका बॉडी है सामने की, वो उसका मुंह है, वो सारा टर्न हो जाता है, बिकॉज पीछे हैवी लोड है, उस वजह से चल नहीं पा रहे। जब भी आपने कभी रोड पे जाते हो गए, आपने देखा होगा जब किसी चढ़ाई आती है तब ट्रक वाले पूरा घुमा के चढ़ाते हो, इसलिए ताकि उसको एक स्पेस चाहिए, जगह चाहिए टर्न करने के लिए। देखो ट्रक का मुंह कहाँ है और उसका जो ये ट्रेलर है ये कहाँ पे, आप देखिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको इस गेम को बहुत प्यार से चलाना होगा। पीछे करता हूँ मैं, देखो हैंडल अपने आप ही मुड़ जा रहा है। वो क्यों मुड़ रहा है? क्योंकि पीछे हैवी लोड, आपने देखा होगा कि जब वजन ज़्यादा होता है तो आपने देखा होगा कि वो पूरे उस ट्रक को घुमा देता है ट्रेलर, क्योंकि ट्रेलर में हैवी लोड होता है। ट्रक में क्या, वो तो बेचारा उसको पुल कर रहा है, पुश कर रहा है उसको, माल को, जो भी सामान लोड हो रहा होता है, जो भी ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। देखो कहाँ जाके घुस गया,
मतलब ट्रक अंधा हो चुका है, उसे पकाने की जरूरत है। पीछे इसलिए जा रहा है ट्रक क्योंकि पीछे है ढलान, ऊपर से ब्रेक नहीं लगाया आपने। अगर ब्रेक छोड़ दिए, अगर आपने जो साइड गियर होता है जो इसको हम पुल करके गाड़ी को रोकते हैं ताकि गाड़ी मतलब हिले ना, वो आपको लगाना पड़ता है। बार बार इसको बैक कर रहा हूँ, देखो इतने बड़ा एमिशन होने वाला। आई डोंट नो बिकॉज मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस ट्रक को निकाल सकूँ। जब आपके हैंडल ही बस में नहीं होगा आप ट्रक को कैसे चलाओगे? मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप इस ट्रक को खेल के देखना। अगर आपके पास इतना भारी ट्रांसपोर्ट सामान होता है तो ट्रक का बैलेंस नहीं बन पाता, क्योंकि जो टायर होते हैं आपको पता है कि जब हैंडल टर्न होता है तो टायर भी टर्न होता है, तो उसी वजह से जो चाल होती है टायर में होती है ना कि हैंडल में। तो वही जब लोड खा जाएंगे तो कैसे ट्रक चलेगा? मेरी गाड़ी अब यहाँ पे स्टक हो गई है, मुझे उम्मीद नहीं कि यहाँ से निकल पाएगी। कैसे पागलों की तरह टक्कर मार रहा है ट्रक। चलिए अपनी लोकेशन फाइनल आ गई है, तो यहाँ पर पार्किंग का ऑप्शन देखिए आप। देखिए मुझे इसको अंदर लेके जाना होगा, लेकिन मैं क्या करूं, पेड़ के टकरा गया है। और आपको पता है कि अब मैं इस ट्रक को पीछे भी काफ़ी कोशिश काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मेरी मेहनत बढ़ गई है क्योंकि सारा लोड पीछे है, आगे कुछ भी नहीं है। आगे सिर्फ एक ये लोहे की बॉडी है जो कि इसका मुंह है। बिल्कुल हिल भी नहीं पा रहा,
ये मान के चलिए अभी इस टाइम इस पेड़ के ऊपर 40 से 50 टन लोड ट्रांसपोर्ट हो रहा था। 40-50 टन अगर आप उसको पीछे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुझे भी आगे जाना है। ये देखो कैसे अपने आप कर, मैं कुछ नहीं कर रहा इसमें। हिल भी नहीं पा रहा था। देखो पूरी ट्रक ही मुड़ गया। तो चलिए गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं यहाँ से इस ट्रक को निकालने की कोशिश ज़रूर करूँगा, बट आज तो ये फंस गया है। काफ़ी मेहनत करनी पड़ी इस ट्रक को। और मैंने बताया कि मैं अगर इसको राइट की तरफ टर्न कर रहा हूँ तो लेफ्ट की तरफ जा रहा हूँ। क्यों जा रहा है वो इसलिए, क्योंकि आप देख सकते हो इसके ऊपर कितनी मोटी मोटी लकड़ियाँ रखी गई है, उस वजह से जा रहा है, क्योंकि इसके ऊपर हैवी लोड है। इस वजह से देख, अब जाके सीधा हुआ अपने आप। पीछे हो पाएगा, अगर पीछे हो जाएंगे सॉरी फॉर द मैसेज। चलिए गाइस, थैंक फॉर वॉचिंग गेमिंग एंडोस। आई होप अभी ये मुझे लगता नहीं कि ट्रक यहाँ से आराम से निकल पाएगा, क्योंकि ट्रक देखिए बॉडी कैसे अपने आप हिल रही है, क्योंकि संतुलन नहीं बन पा रहा ट्रक का ट्रेलर के साथ संतुलन नहीं बन पा रहा है। और ऐसी स्थिति हर टाइम किसी भी टाइम आ सकती है। अरे ट्रक चलाते हैं वो बेचारे अपनी जान अथेरे में लेके चलाते हैं। अगर हैवी लोड है, अगर कुछ उस पर कुछ डैमेज हो गया तो वो कहेंगे ट्रक वाले की वजह से हो, क्योंकि आपने आपको ड्राइविंग आती ही नहीं है, वो सारा लोड आपके ऊपर लगा देंगे। ये पेड़ से टकराया हुआ, अगर ये पेड़ ना होता तब तक निकल जाता है ट्रक। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ फिर भी, ये देखो बिल्कुल पीछे नहीं हो पा रहा है ट्रक। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग गेमिंग एंडोज एंड कीप सपोर्टिंग गेमिंग एंडोज। दो गाइस ठोक के लाइक करिए, कोई भी कंजूसी मत करिए, क्योंकि मैं कंजूसी नहीं करता तो आप कंजूस कैसे हो सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी इस वीडियो के लिए मैं अभी आप लोगों से विराम लेना चाहूँगा। चलिए गाइस, आपकी गेमिंग एंडोज की वीडियो आपको हमेशा आती रहेगी, कोई भी एंटरटेन में कोई भी परेशानी नहीं होगी। चलिए बाय बाय।